हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको बताना चाहेंगे यार, ओलंपिया ट्रेड कितने में बता चुका हूँ भाई, ट्राई करो यार, बॉम चीज है यार, पैसे कमाना चाहते हो नहीं, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाएं क्लिक करें, अभी नहीं वीडियो देखने के बाद क्लिक करें, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें और पैसे थोड़े लगाएं और देखो पैसे कमाते कैसे हैं। और पैसे कमा के अपनी मनपसंद चीज़ें लो, जैसे लड़कियों ने कार ले ली आजकल यार, एक लड़की कार कमा ली पैसों से, मैं भी बहुत कमा रहा हूँ, आप भी कमा लें यार, फ्री में मिल रहा है, फ्री में तो नहीं मिल रहा वैसे। ट्राई करें पक्का, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाएं वीडियो खत्म होने के बाद चेक करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज हम एक और चैनल वीडियो रिएक्ट करने वाले हैं, टॉप 10 रिचेस्ट पाकिस्तानी पीपल, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अमीर लोग हैं ऑब्वियसली। तो ये वीडियो भी पाकॉल चैनल की है, उनको सब्सक्राइब पक्का करेंगे, ये चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट है। तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल और वीडियो लिंक है। तो देख लेता नंबर वन में कौन होगा, पॉलिटिशियन होगा या एक्टर होगा या बिजनेसमैन होगा, सबसे अमीर कौन होगा। मुझे यहाँ तक लग रहा है जो बहरी टाउन का मालिक नहीं है वो शायद मे भी हो सकता है, रियाज ऐसे नाम था कुछ इनका। तुझे क्या लगता है, क्रिकेटर, नहीं, एक्टर, पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन हो सकते हैं वैसे वो भी हो सकते हैं, बहुत अमीर होते हैं वो, मेहनत होती है उनकी भी, सबको पता है क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये वाला मेरा है, तो देखते हैं कौन सी। मेरे ख्याल से जो बहरिया टाउन का जो मालिक है आई थिंक वो होगा टॉप 10 में, नंबर वन पे। तो देखते हैं वीडियो में क्या है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 ठीक है ना। वेलकम टू पाकीहॉलिक.कॉम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वो नवाज 10 शरीफ अमीर पॉलिटिशियन दिल्ली है एक, लोग, उधर वाले सबसे टॉप 10 रिचेस्ट पीपल फ्रॉम पाकिस्तान का प्राइम पाकिस्तान। मिनिस्टर। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी शख्सियत वाह मौजूद हैं जिन्होंने कामयाब कमाल कारोबार है। के जरिए बेतहाशा दौलत कमाई है। इनमें से कुछ लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कुछ ने शुगर इंडस्ट्री में, कुछ ने रियल और एस्टेट में और कुछ ने दीगर वाह शोबों में काम करके अपना नाम बनाया है और अपनी दौलत में इजाफा किया है। ओके इस वीडियो में हम पाकिस्तान में मुकीम ये और रॉबिन पाकिस्तान से दिखाई नहीं बाहर सी मुकीम वही अमीर तरीन पाकिस्तानियों पर नज़र डालेंगे। इससे पहले कि हम नंबर 10 से वीडियो का आगाज़ करें, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकीहॉलिक.कॉम को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें, हमारे तो चैनल आइए को भी शुरू सब्सक्राइब करते हैं करें, आज की जल्दी से वीडियो। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करें, पे नंबर पार्टी दस पे करेंगे। है दीवान मुश्ताक। दीवान मुश्ताक पाकिस्तान में कारोबार की दुनिया का एक बड़ा नाम है। इनका ताल्लुक कराची से है और ये दीवान मुश्ताक या ग्रुप के कराची वगैरह मालिक का हैं। शहर है ना। इनकी दौलत तकरीबन 880 मिलियन डॉलर है। आठ पाकिस्तानी सौ रुपयों अस्सी में मिलियन ये डॉलर तकरीबन 90 अरब रुपए बनते हैं। इस वक्त दीवान मुश्ताक की मुख्तलिफ कंपनीज टेक्सटाइल टेक्सटाइल, ओके शुगर, टेक्सटाइल पोलिएस्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं। ओके। तीन नंबर फ्रेंचाइजी दो पर उनकी, है रफीक रफीक हबीब। हबीबी, रफीक हबीब का ताल्लुक ये भी कराची से कराची है से, और दो बंदे इनकी कराची से। दौलत हाँ तकरीबन 900 मिलियन डॉलर के करीब ओहो, है। उन्होंने गिनी ये थी पाकिस्तानी एट रुपयों एट में हंड्रेड ऐसी जैसी। तकरीबन 95 अरब रुपए बनते हैं। रफीक हबीब कई दहाइयों से कारोबार कमाल से है यार, मुंसलिक हैं क्या और करना ये भाई हाउस तुम्हें ऑफ सोगा। हबीब, मैक्रो पाकिस्तान और सालों हबीब दे बैंक के दे मालिक हैं। ओके नंबर 8 पर है नास्तर, नासिर शाह। ये क्या है नासिर पॉलिटिशियन। शाह दुबई में मुकीम पाकिस्तानी है। उनकी उम्र 60 साल है दुबई और वाले तो उनका होती है अमीर ताल्लुक है भाई, कराची इनका से क्या है। बोलना। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक नासिर शाह की कुल दौलत 1 अरब डॉलर के करीब है। ये क्या पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 105 अरब रुपए बनते हैं। बात है। नासिर शाह शान ग्रुप के मालिक हैं और उनकी कंपनीज रियल एस्टेट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। नासिर सही है शान सही का है कारोबार पाकिस्तान के अलावा दुबई में भी मौजूद है। ओके। नंबर 7 पर है मलिक मलिक रिया रियाज ये रहा हुसैन। बैठा मलिक रियाज हुसैन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। मलिक रियाज की दौलत का कुल तखमीना वन एक पॉइंट वन अशारिया एक बिलियन अरब डॉलर है। डॉलर पाकिस्तानी वाह, रुपयों में क्या ये करना है तकरीबन इतने पैसे, 115 अरब रुपए हैं क्या बनते करने हैं। भाई साहब, मलिक रियाज की उम्र 63 साल है। इतनी उम्र क्या हो करेंगे गई आप? अपनी दौलत अपने मशहूर प्रॉपर्टी ब्रांड बहरिया टाउन से कमाई है। क्या मलिक रियाज के मुख्तलिफ प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स यार, क्या करूँगा, आज इस्लामाबाद, करूँगा और क्या लाहौर करूँगा। और कराची में हमें भी मौजूद करा थोड़ी सी हैं। भाई जी, हाल ही में मलिक थोड़ा रियाज कॉन्टेक्ट ने कर ले भाई कराची में जी। पाकिस्तान की बुलंदतरीन इमारत ओहो बहरिया आइकन टावर भी बनाई है और सही है, मुस्तकबिल करीब में वेल मलिक प्लेड रियाज या पाकिस्तान बड़ी मलिक गैर रियाज हाजिर में करानी है भी ना, कदम रखने वाले चलाएंगे हैं।
नंबर चार कभी ना कभी तो करेंगे। सरुद्दीन हाशवानी, सरुद्दीन हाशवानी पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री के पिताज बादशाह सदरुद्दीन हाशवानी साहब हैं। इनकी सही में होटल वाले वो पैसे कमाते हैं। और इनका ताल्लुक कराची से है। सभी कराची से हैं मेरे लोग क्या? 1.1 अरब डॉलर है जो कि पाकिस्तानी रुपए ऑलमोस्ट सेम ही है, तकरीबन 115 अरब रुपए बनते हैं। हाशवानी साहब ने अपने कारोबार का आगाज 1960 में कपास की खरीदो फरोख्त से किया। क्या बोला क्या बोला? कुछ ही सालों में पाकिस्तान के सबसे बड़े कपास के ताजर बन गए। कपास उनकी कंपनी 1973 में हो गई। 1978 में सदरुद्दीन हाशवानी ने इस्लामाबाद में हॉलीडे इन के नाम से अपना पहला होटल खोला। इसके कुछ सही पैसे कमाते होटल वाले भाई। उन्होंने कराची में दूसरा होटल या बन जाए ना फिर तो सिर ही लग जाती है ना, एक बार बढ़ने की देर है बस। और क्या मैरियट ब्रांड से मुंसलिक कर रहे हैं तो एक बार तो पैसा लाने ही पड़ता है ना। सदरुद्दीन हाशवानी ने लगाए हम भी कॉन्टिनेंटल होटल लगा दें फिर लोग हमारी वीडियो रिएक्ट करेंगे। सदरुद्दीन हाशवानी मुत्तहद होटल्स के मालिक हैं। वाह। इसके अलावा उनका कारोबार ऑयल एंड गैस, मिनरल्स और फार्मास्यूटिकल्स तक भी फैल चुका है। सही है रे। नंबर 5 पर है नवाज शरीफ। इनको कौन नहीं जानता? नवाज शरीफ 1.4 बिलियन मशहूर और मारूफ सियासतदान है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह हैं। पाकिस्तान के 5वें अमीर तरीन शख्स हैं। कैसे आए इतने पैसे? नवाज शरीफ की आमदनी के जरिए में मजाक कर रहा भाई, मजाक कर रहा हूँ। स्टील मिले और ज़राअत शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ साहब अब खुद कारोबारी मामलों में दखल कम देते हैं और इनके बेटे जो कि पाकिस्तान से बाहर मुल्क इधर वाला वो लग रहा एक हमारे वहाँ एंकर है शोज का अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोटो दिखाऊंगा पाकिस्तान से बाहर बरतानिया मशरिक़े वुस्ता और दीगर ममालिक में काफी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस मौजूद है। सही है सर, नवासा सही है। नंबर 4 पर है सही सर के लिए। अनवर परवेज लगे रहो। अनवर परवेज, सर अनवर परवेज की उम्र 81 साल है और वो 21 साल की उम्र से बरतानिया में मुकीम है। सर अनवर परवेज ने 1963 में बरतानिया में एक कन्वीनियंस स्टोर खोलकर कारोबार का आगाज किया। 1970 तक उनके कारोबार ने खूब तरक्की की और वो सर इतने पैसे क्या करोगे सर, थोड़े से सर, थोड़े से बस 1 बिलियन बेस्ट वे रख दिया। बेस्ट वे ग्रुप 2014 में बरतानिया में दूसरा सबसे बड़ा होलसेलर ग्रुप बन चुका था। ओके होलसेल अंदर प्रवेश की दीगर कंपनी। मेरा फ्रेंड है उसका भी पापा होलसेल बिजनेस करते हैं, बहुत अमीर है वो भी। नंबर 3 पर है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी की उम्र 61 साल है और उनकी दौलत का कुल तखमीना 1.8 अरब डॉलर है जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 बिलियन तक निकलेगा। भी भी निकलेगा लग रहा 2 बिलियन तक आएगा। अली जरदारी की आमदन के जरिए मुझे भी लग रहा है शुगर मिल्स काश्तकारी और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ बिजनेस शामिल हैं। अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जरदारी साहब की अमरीका बरतानिया और मशरक वस्ता के ममालिक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है। सही है, सही खेल रहे हैं। मियां मोहम्मद मंशा। मियां मंशा पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं। ताहम मियां मोहम्मद मंशा पाकिस्तान में कयाम पजीर लोगों में अमीर तरीन शख्स समझे जाते हैं। पर फायदा क्या इतने पैसे लेने से, लाइक इनकी एज हो जाती है, पैसे यहाँ पे निकल के 2.6 बिलियन है क्योंकि पाकिस्तानी रुपयों में पक्की गल है ना, ऐश नहीं कर पाते पर वो कमाते रहते भी साड़ी अगली जनरेशन में फायदा हो रहा है ना। काश नहीं है अगर इतने पैसे अगर 21 साल की उम्र पे होते इनके पास तो सोच क्या हो रहा थे। ताँ वधिया होंदा फिर तो तुसी ऐश कर दे। एमसीबी का शुमार पक्की गल है सारी उम्र निकल गई है पैसे पीछे होता है। ओके बैंक है एमसीबी कंपनीज में डीजे खान सीमेंट आदम जी ग्रुप और पाकिस्तान एविएटर्स एंड एविएशन शामिल है। कुछ ही अर्सा पहले मियां मंशा ने ये वो है ना फ्लोर में सबसे बड़ा मॉल जिसका नाम द एम्पोरियम मॉल है बनाया है। सही है इन्होंने बनाया भाई सही है। ये शाहिद खान की फहरिस्त में क्लैप कर दे। शाहिद खान इनकी कुल दौलत का तखमीना 7.2 अरब डॉलर सबको मिला के एक तकरीबन 750 अरब रुपए बनते हैं। बहुत असर क्या बात है। लाहौर से है वो पिछले कई दहाइयों से अमेरिका में मुकीम है और वहीं पर उन्होंने अपने कारोबार को परवान चढ़ाया।
शाहिद खान 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से तालीम की गर्ज से अमेरिका गए। वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इसके बाद उन्होंने कुछ अरसा नौकरी की, फिर उन्होंने कारोबार की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगे। 66 साल शाहिद खान गाड़ियों के बम्पर बनाने वाली कंपनी फ्लेक्सिंग गेट के मालिक हैं। इसके अलावा उन्होंने अमरीकी फुटबॉल लीग की टीम जैक्सनविल जैगुआर्स और बरतानवी फुटबॉल टीम फुलहम भी खरीद रखी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। भाई लास्ट वाले शायद भाई जो खान थे उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, बाकी भी सही थे पर वो तो लेजेंड ही निकल गया यार। चाहेंगे हमारे पास भी एक है मुर्गा, सबसे अमीर मुर्गा जिसको बोलते हैं यस अंबानी, उसकी लाइक उसकी आई थिंक 27 या 28 बिलियन डॉलर लाइक सबको मिला के से भी ज्यादा पता कर रहा हूँ। है आपको पता ही होगा अंबानी सबसे अमीर है इंडिया में, एशिया में नहीं होगा शायद सबसे अमीर, इंडिया में सबसे अमीर आदमी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, सब अंबानी लोग, टाटा वगैरह ये सब अमीर लोग हैं। बिरला टाटा अंबानी सबको सब आपको बताना चाहूँगा, मैं टाटा में काम करता हूँ ठीक है। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना बोले। लव यू गाइस, पीस।